नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चले रुक करते हैं झारखंड की एक खबर की ओर। झारखंड राज्य दफा दर चौकीदार पंचायत शाखा पूर्वी सिंहभूम जिला का एक दिवसीय जिला सम्मेलन का आयोजन अतिथि भवन भुइया डी जमशेदपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष पार्थ सारथी दत्ता ने की और इसका संचालन जिला सचिव सुरेंद्र सिंह ने किया। इस सम्मेलन के उद्घाटन करता झारखंड राज्य के दफादार चौकीदार पंचायत के राज्य अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह, मुख्य अतिथि की दुलार भुइया जो कि माननीय पूर्व मंत्री झारखंड सरकार में हैं, विशिष्ट अतिथि जिला सम्मेलन में सर्वसम्मति से 9 सूत्री प्रस्ताव पारित करके झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को संबोधित कर मांग पत्र उपयुक्त जमशेदपुर को सौंपा गया। इन मांगों पर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने की भी मांग की गई। जिला सम्मेलन में सर्वसम्मति से 9 सूत्री पारित प्रस्ताव में 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने का आदेश सभी उपाधियों को देना, चौकीदारों तीन पदों पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने पर रोक लगाना तथा झारखंड चौकीदार सवर्ग नियमावली 2015 के आलोक में 100 से 120 आवासीय घरों पर बीच सृजित करना और सेवा विमुक्त सभी चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान करने और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त औजारों दफ्तरों के अस्तित्व की नियुक्ति तथा पूर्व नियुक्ति के प्रक्रिया के अनुसार कारण करने हेतु मांग की गई। पदाधिकारी का लापरवाही का कारण बना और 1990 में के बाद में सेवानियुक्ति चौकीदार का एकदम रिक्त खाली पद रह गया और उसके बाद में 2014 के बाद में ये पूर्वी सिंहभूम को खाली रखा गया। तो विशेष करके चौकीदार दफादार घटवार दिगवार और सरदार जो 20 सरकारी सेवाओं में 55 वर्ष का उम्र की पूरा सुविधा सेवा नियुक्ति दिया जाए। तीसरा नंबर है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर प्रशिक्षित लेने का काम करें, जो उसका नाती पोता जो भी एक तो सिस्टम होता ना, मान की मुंडा प्रथा, जो जिस तरह से पुजारी का बच्चा उसका पुजारी में मंदिर में होता है, तो भाई चौकीदार का बेटा का उसी प्रकार से चौकीदार का बेटा नहीं नाती पोता हो सबको होना चाहिए। वो सिस्टम का डिमांड है, उसके अनुकंपा के आधार। चौथा है अनुकंपा के आधार पर जो पुलिस बल की तरह जो 13 माह का वेतन दिया जाता है उसको चौकीदार वफादार और अधिकार का मिलना चाहिए। पांचवा नंबर है महंगाई, बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो वर्दी भरता है प्रति वर्ष 10,000 रुपया देना चाहिए। अच्छा, आगे मांगे। और छह नंबर है पुलिस की तरह चौकीदार दफादार को ये सारी सुविधा हो, ये मांगे हम लोग चंपाई सोरेन जी को देंगे। आज हम इसका सम्मेलन में हम लोग सभी नेता लोग आए हैं, समाज के हैं, दलित समाज के चैतन्य मुखी जी हैं, झारखंड मजदूर यूनियन के महासचिव कमल यादव जी हैं, हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष निमाई मंडल जी हैं, राजू सामंत केंद्रीय उपाध्यक्ष झारखंड मजदूर यूनियन, केंद्रीय उपाध्यक्ष सपन करवा जी हैं, हमारे राज्य के झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह जी हैं, हमारे की नाम बोले तुम्हार है पार्थ सारथी दत्ता, उमर बदे हमारे सुरेंद्र सिंह सरदार भूमिज, शिवलाल लोहरा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी जानकारी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24 न्यूज।